किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान साथियों बात करते हैं इंदौर मंडी की जो तेज़ी मंदी रिपोर्ट है उसके बारे में। क्या किसान साथियों आने वाले समय में प्याज का जो भाव है वो 4000 रुपये से करीब देखने को मिलेगा या नहीं? क्या किसान साथियों प्याज को लेकर किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है या नहीं? तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी और सटीक अपडेट के साथ बताऊँगा। चलिए किसान साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो चलिए किसान साथियों जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। किसान साथियों आज का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिला है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी और सटीक अपडेट के साथ बताऊंगा। किसान साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि किसान साथियों अगर इंदौर मंडी की तेज़ी मंदी रिपोर्ट की बात करें तो किसान साथियों अभी तक जो वर्तमान समय का रेट है वो किसान साथियों 2100-2200 रुपये तक के भाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान साथियों 7-8 दिन पहले जो रेट था किसान साथियों वो 2400-2500 रुपये तक के भाव में इंदौर मंडी में देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं आने वाले समय में। किसान साथियों आने वाले समय की अगर बात करें तो माहौल में अच्छी खासी पकड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका कारण ये है एक सरकार की योजना आई है किसान साथियों प्याज भंडारण के ऊपर। तो ऐसे में जितने भी किसान भाई हैं अपना प्याज भंडारण की तरफ ध्यान जरूर देंगे। अगर किसान भाई अपना प्याज भंडारण करेंगे तो किसान साथियों अच्छे जैसे ही प्याज के रेट बढ़ते हैं वैसे ही धीरे धीरे कर अगर प्याज के सेल करेंगे तो उनके जो रेट में इजाफा है उन्हें फ़ायदा होगा। किसान साथियों मैं आपको बता दूं आने वाले समय की अगर तेज़ी की बात करें, अभी तो वर्तमान में प्याज के जितने भी किसान भाई हैं वो भंडारण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अगर उन्होंने भंडारण किया अच्छे दाम मिलने पर उन्होंने अपना प्याज हटाया तो किसान साथियों उनकी जो तेज़ी है एक बार फिर देखने को ज़रूर मिलेगी। और किसान साथियों मैं आपको बता दूँ ऑल ओवर स्थिति की अगर बात करें तो आने वाले समय में तेज़ी का जो माहौल है वो ज़रूर रुख मोड़ता हुआ ज़रूर आपको दिखेगा।